Good morning, students. In solid state, we have discussed till closed packing, and now I am going to discuss another important topic of solid state, that is stability of ionic solids. अब बेटा अभी तक हमने क्लोज पैकिंग में जो कुछ भी पढ़ा है वो जनरली मेटल के लिए पढ़ा, क्योंकि हम सेम साइज की बात कर रहे थे. तो अभी हमें आयनिक सॉलिड्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है. कुछ पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है. जितने भी बेटा आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, उनके स्टेबिलिटी के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, दैट इज चार्ज. चार्ज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बेटा. अब इस चार्ज को आप ऐसे समझिए कि हम ये जानते हैं कि एक कैटायन जो होता है वो कैटायन अपने पेरेंटल एटम से साइज में हमेशा स्मॉल होता है. एक कैटायन का जो पेरेंटल एटम होगा वो कैटायन के कंपैरिजन में हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके बनते हैं. इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इनकी जो आउटर सेल है वो कई बार डिसअपियर होती है और इनका साइज छोटा हो जाता है. एट द सेम टाइम अगर हम एनायन की बात करें बेटा, तो एनायन का साइज अपने पेरेंटल एटम के कंपैरिजन में हमेशा बड़ा होता है. तो रूल ये कहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स ये कहते हैं कि एक कैटायन जितने ज्यादा एनायंस को एक्यूमुलेट करवा सकेगा, जितना पैशनेटली एक एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा. तो कैटायंस के केस में बेटा सीधी सी बात यह है कि जितना बड़ा साइज का कैटायन होगा वो एनायन को उतना प्रॉपरली अट्रैक्ट कर सकता है. क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट करना, स्टेबिलिटी, ये सब केवल एक फोर्स पे डिपेंड करती हैं, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कैटायंस के बेसिस पे अगर बात करें तो लार्जर इज द कैटायन, हायर इज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, हायर इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं, दैट इज रेडियस रेशो. बेटा हमारे एनसीईआरटी में, सीबीएसई सिलेबस में रेडियस रेशो के बारे में नहीं बताया, लेकिन इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए रेडियस रेशो पढ़ना हमें बहुत जरूरी है. तो रेडियस रेशो क्या कहता है कि रेडियस रेशो आर इज इक्वल टू, या मैं नॉर्मली इसको आर ओ से ही डिनोट कर रहा हूँ, रेडियस रेशो आर इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियाई ऑफ एनायन. मतलब कैटायन की रेडियस का जो एनायन की रेडियाई के साथ रेशो होगा, दैट इज नोन एज रेडियस रेशो. अब मतलब ये कहता है बेटा इसका कि जितनी ज्यादा रेडियस रेशो की वैल्यू आएगी, रेडियस रेशो की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, एक्सपेरिमेंटली अगर 12th क्लास की हम बात करें बेटा, तो 0 से लेके और 1 तक ये वैल्यू हमें जनरली मिलती है. 1 से ऊपर भी मिल सकती है, लेकिन हम नॉर्मली जो हमारे सिलेबस में हम देखते हैं कि 0 से 1 तक रेडियस रेशो की वैल्यू हमें मिलती है. तो 1 के जितना करीब बेटा रेडियस रेशो की वैल्यू होगी, वो एटम, वो सॉलिड, वो आयनिक सॉलिड उतना ज्यादा स्टेबल होगा. और वैल्यू 0 के जितनी करीब मिलेगी वो सॉलिड उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी में कमी आएगी. क्लियर है सभी को? समझ आ गया? अब इस चीज को आप ऐसे समझो बेटा कि 1 के करीब ये वैल्यू तब पहुंचेगी जब नेगेटिव रेडियाई, यानी एनायन की रेडियाई छोटी हो, कैटायन की रेडियाई बड़ी हो. अब आप यहां पे देखो कि अगर आपने कैटायन की रेडियाई छोटा ले रखा है, एनायन की रेडियाई बड़ी है, तो ऑब्वियसली बेटा आप वहां पर क्या देखोगे, बहुत कम एनायंस को हम वहां पर एक्यूमुलेट करवा सकते हैं. लेकिन अगर बेटा कैटायन की रेडियाई सपोज दैट बड़ी हो, जैसे यहां मैंने कैटायन की रेडियाई को बड़ा ले रखा है, एनायन छोटा है, तो बहुत सारे एनायंस को हम इस पे एक्यूमुलेट करवा सकते हैं. इजीली एक्यूमुलेशन पॉसिबल है. ज्यादा एक्यूमुलेशन इसका मतलब ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, तो इसीलिए बेटा जितना ज्यादा हम 1 के करीब पहुंचेंगे उतना ज्यादा एटम जो है वो स्टेबल होता जाएगा. अब जैसे सिंपल सी बात समझिएगा, अगर वैल्यू रेडियस रेशो की वैल्यू 0 से लेके 0.1115 तक रहती है, तो उस केस में हमें अक्सर ये मिलता है कि उस सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मिलता है. एक नई बात आपको यहां सीखने को मिल रही है कि रेडियस रेशो से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का भी पता चल रहा है. कैसे? देखो, रेडियस रेशो कम आया, इसका मतलब कि यहां पर एनायन का साइज कैटायन के साइज
के कंपैरिजन में बहुत बड़ा था, तो ज्यादा एनायन को हम एक्यूमुलेट नहीं कर सके। कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या? यही तो है कि हाउ मेनी नेबरिंग एटम्स आर इंटरेक्टेड टुगेदर, है ना। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर देखो रेडियस रेशो कम आया, कम आया, इसका मतलब ज्यादा एनायन को हम एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। और उसका आप एग्जाम्पल देख रहे हो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से ज्यादा नहीं मिलता। जनरली जो इसका बेटा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा वो लीनियर होगा। जनरली ये जो ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चरली लीनियरली अरेंज हो रहे होंगे, BeF2, BeCl2 इस टाइप के कुछ एग्जांपल आपको इसके मिल जाएंगे। सेम टाइम बेटा अगर मान लीजिए आपको रेडियस रेशो मिल जाता है 0.15 से लेके 0.225 के बीच में, तो अभी भी बेटा रेडियस रेशो इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है, अभी भी हम ज्यादा एक्यूमोडेट नहीं कर पाएंगे एनायंस को। और हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के आसपास होता है, ट्राइगोनल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, है ना। कैल्शियम वगैरह के सॉल्ट इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है, जैसे बेरिलियम बोरॉन का B2O3 हो गया, है ना, ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री वाले जनरली कंपाउंड ये होते हैं बेटा। अगर मान लीजिए आपने फिर से R प्लस बाय R माइनस किया और रेशो आपको इस बार किसी अदर कंपाउंड का 0.225 से 0.414 के बीच मिल गया, तो फिर बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, 4 तक पहुंच जाएगा। इसकी ज्योमेट्री जो है बेटा वो जनरली टेट्राहेड्रल होती है, है ना। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल आपके पास होते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, जैसे जिंक वगैरह के जो सॉल्ट हैं, ZnS वगैरह हो गए, वो इस टाइप की ज्योमेट्री शो करते हैं, ठीक है। इनका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। अगर मान लीजिए बेटा रेडियस रेशो आपको 0.414 से 0.732 तक मिल जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, 6 तक कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ये ज्योमेट्री बेटा ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है, NaCl वगैरह इसके बहुत कॉमन एग्जांपल हैं। सेम टाइम अगर और ज्यादा रेडियस रेशो बढ़ के 0.732 से 1 तक पहुंच गया, यानी ऑलमोस्ट जो कैटायन का साइज है वो एनायन के बराबर पहुंचने लगा है, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तक पहुंच जाएगा। ज्योमेट्री इसकी बेटा वैसे तो हम BCC देखते हैं लाइक, है ना, बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर मिलने लग जाएंगे। सीजियम क्लोराइड इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे बेटा आप देख रहे हो रेडियस रेशो बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है। तो एक चीज और आपको मिल रही कि जितना ज्यादा जिस आयनिक सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ये भी आपके लिए एक पॉइंट है। ध्यान देने वाली बात क्या है, CBSE में बेटा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 2015 का क्वेश्चन था कि यू हैव सीजियम क्लोराइड, है ना, एंड हीटेड इट एट 800 केल्विन, 800 केल्विन पे आपने इसको हीट कर दिया। हीट किया, व्हाट विल हैपन? तो अल्टीमेटली देखो बेटा, आपने हीट किया, हीट करने का मतलब ये है कि आपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ा दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये सीजियम, तो ऑब्वियसली बात है इसका साइज छोटा होगा। साइज छोटा होने का मतलब कि जो ये सीजियम क्लोराइड पहले 8 कोऑर्डिनेशन नंबर रख रहा था, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होकर 6 रह जाएगा इतने टेम्परेचर पे। ध्यान रखिएगा CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आए तो आपको करके आना है। समझ आ गया सबको? टेम्परेचर आपने दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर डाउन हो गया। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आया था 2012 के आसपास, NaCl है आपके पास, इसका आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, आपने इसमें प्रेशर बढ़ा दिया। तो प्रेशर बढ़ाने के बाद क्या होगा? आपने प्रेशर बढ़ाया यानी इलेक्ट्रॉन को लैग करवाना और मुश्किल हो गया। यहाँ पर प्रेशर जो है बेटा इंडिविजुअल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने में ऑब्स्टेकल्स रेडी करता है, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल है। NaCl में Na अपने साइज को मेंटेन कर सकता है और इनलार्ज कर सकता है, ज्यादा एनायंस को एक्यूमुलेट करवा सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ के 8 हो जाएगा। यानी वो NaCl बेटा जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखता था, वो प्रेशर इंक्रीज करने पे 8 रखने लगा। और अगर आपने 8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले सीजियम क्लोराइड के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होकर 6 हो गया। तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो अपोजिट होता है, और प्रेशर का इफेक्ट जो है इन अकॉर्डिंग टू होता है, अकॉर्डिंगली इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ये बेटा रेडियस रेशो की ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, और जो आयनिक सॉलिड की स्टेबिलिटी को भी बताते हैं। सारी बातों को ध्यान रखना है आपको कि जितना ज्यादा रेडियस रेशो उतना स्टेबल एटम, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर उतना स्टेबल एटम। फाइन, थैंक यू।